वेलकम टू अमनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अफ्तारी। अफ्तारी का मेन्यू है हमारा चिकन शवारमा, स्प्रिंग रोल, सोदित शोरबा जिसे दलिया भी कह सकते हैं आप, एंड फोर्थ वन पकोड़े। तो चलें स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे मायोनीस। 3 खाने के चम्मच हम लेंगे मायोनीस। एक खाने का चम्मच हम लेंगे एक थिक क्रीम। मैं अलमराई की क्रीम ले रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, घर की बलाई भी ले सकते हैं। अब जाएंगे 2 जवे लहसुन के, 1 खाने का चम्मच तेल, ओरिगैनो 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे लिटिल बिट, चीनी जाएगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून, सिरका इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून, दूध इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इनको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। ये जी हमारी मायो सॉस तैयार हो चुकी है। ये कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है। आज हम बनाने लगे हैं सोदी शोरबा दलिया। उसके लिए मैंने ली हैं 4 से 5 बोटियां हड्डी वाली। तो उनको पानी, काफ़ी मकदार में पानी डाल के हम आँच चला देंगे मीडियम टू लो, क्योंकि काफ़ी देर ये पकेगा, इतना पकेगा कि हड्डियों से अलहदा हो जाएंगी बूटियाँ, खुद ही रेशा हो जाएगी बूटी के ना, इतना हमने इनको पकाना है। इसके अंदर मैं डालूँगी एक छोटे साइज का प्याज, 6 से 7 चवे लहसुन के, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये जी देखिए प्याज एक छोटे साइज़ का, मैंने उसके 4 पीस किए हैं, लहसुन के जवे, अदरक का टुकड़ा और गोश्त मुर्गी लिया मैंने, गोश्त से भी बना सकते हैं जिसे आपका दिल करे। अब बस इसको हम पकनेंगे, देंगे 2 से 3 घंटे पानी में। आँच आप लो रखिएगा, इतना ज़बरदस्त ये दलिया बनता है। आज आपके साथ इसकी सारी रेसिपी शेयर करूँगी। नमक भी इसके अंदर ऐड किया और अब हम इसको कवर करके रख देंगे। ये जी देखिए मैंने इस तरह कवर किया ताकि वो बाहर आए और अंदर भी ना जाए पानी, इस तरह कवर कर दिया। अब हम बनाने लगे हैं चिली सॉस। उसके लिए हमें चाहिए होगी, ये मैंने ली थी 4 से 5 लाल मिर्च और इनको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था। अब ये पानी के साथ ही हम इनको अंदर ऐड कर देंगे। 1 जवा लहसुन का इसको ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/2 लेमन का जूस ऐड करूँगी, 1 टीस्पून हम सिरका ऐड करेंगे, ऑलिव ऑयल जो सा है ये मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी, थोड़ा सा हम प्याज ऐड करेंगे, बस देखिए छोटा सा प्याज ही है। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये जी हमारी चिली सॉस भी रेडी हो चुकी है, ये देखें ज़बरदस्त। अब बारी आती है चिकन की मैरिनेशन की। मैंने इनको स्ट्रिप्स में काट लिया था चिकन को। नमक हम हसबे ज़रूरत ऐड करेंगे, हर चीज़ में नमक जा रहा है तो नमक बस हिसाब से यूज़ करिएगा। कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हम इसके अंदर ऐड करेंगे टिक्का मसाला। टिक्का मसाले का हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने दही ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच मैंने 3D पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब 1 लेमन मैंने लिया था, 1 मैंने सॉस में डाल दिया था और 1/2 जो बचा हुआ हम इस तरह मैरिनेशन में डाल देंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको कवर करके 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैदे को मैंने छान लिया था, 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है यीस्ट। अब इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स।
अफ्तारी का टाइम है इसलिए मैं आपको सही से अच्छी हर चीज़ गाइड नहीं कर पाती, पर मेरी ट्राई होती है कि आपको हर चीज़ अच्छे से बताऊँ। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा नीम गर्म दूध 1/2 कप, और अगर जितनी ज़रूरत हुई फिर उस हिसाब से हम दूध ऐड करके इसको गूंद लेंगे। डो मैंने तैयार कर ली है ब्रेड के लिए और अब हम इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखें जी, बिल्कुल अच्छे से पक गया, गल गई है मुर्गी। अब हम इसके अंदर दलिया ऐड कर देंगे, काली मिर्च मैंने ऐड कर दी थी 1 खाने का चम्मच, टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे जब तक इसका कलर अच्छा सा ना आ जाए, मैंने 3 खाने के चम्मच ऐड किए हैं। दूसरी साइड पे मैं शवारमे का चिकन रेडी कर रही हूँ और एक साइड पे ये देखिए जी, मैंने दलिया भी ऐड कर दिया था। दलिया हम इतना करेंगे कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना कम। मैंने खाने जो सालन डालने वाले चम्मच होते हैं वो मैंने 2.5 ऐड किए थे, तो वो भी मीडियम आँच पे रखा हुआ है, मीडियम टू लो पे, मीडियम भी नहीं, तो ये गाढ़ा हो जाएगा अच्छे से। ये शवारमे का सैलेड रेडी किया है, इसके अंदर आप टमाटर भी ऐड कर सकते हो, शिमला मिर्च भी। शाम को टमाटर नहीं पसंद, मुझे कच्ची शिमला मिर्च नहीं पसंद, इसलिए मैं इसके अंदर स्किप कर रही हूँ। सिर्फ हम आप पसंद से खीरा भी ऐड कर सकते हो। मैंने बंद गोभी और प्याज लिया है, इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे जी। हमारी डो काफ़ी राइस कर रही थी, अब हम इसको अच्छे से इस तरह मसल लेंगे हाथों की मदद से ताकि जो अंदर हवा है वो निकल जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, अगर साथ में लगे तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा लगा लें। देखिए मेरे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मेरी डो बहुत अच्छी तैयार हुई है। जो मैंने रेसिपी बताई है इसी से आप तैयार करिएगा, इंशाल्लाह आपकी डो भी बहुत अच्छी तैयार होगी। ब्रेड भी रेडी हो रही है, चेक करें पीटा ब्रेड फूल भी रही है। के रखे थे मैंने फ्रीजर में, अब मैं ये फ्राई करने लगी हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कल मैंने स्प्रिंग रोल फिल किए थे, कि स्प्रिंग रोल बनाने थे, कल का हमारा प्लान था, मगर जब मैंने फिल वगैरह सब कुछ कर लिया, तैयारी कर ली, तो उसके बाद हमारे हमसायों के बिल्कुल सामने वाले घर से हमें अफ्तारी आ गई, तो वो थे तमिल इंडियन, तो उन्होंने अपने जो सी है डिशेस वो भेजी। हलीम था, उनका कोई दलिया था, समोसे थे वेजिटेबल, और साथ में आलू था अंदर, सब्जियां थी, थोड़ी सी बेसन लगा के गोल से थे, उन्हें फ्राई किया हुआ था। क्या कहती हैं जो मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं वो बताएं कि उस डिश को क्या कहते हैं। और उनका जो दलिया था वो वाइटिश कलर में था, उसमें चने की दाल भी थी, गंदम का दलिया भी था, और भी दालें थी, मूंग की दाल भी थी, तो उसको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। हमें तो नहीं उनके नाम वगैरह आते, मगर आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इन डिशेस के क्या नाम है। तो हमें कर पुल तकल्लुफ सी इंडियन अफ्तारी आई, तो फिर मैंने स्प्रिंग रोल जो उनसे थे फिल किए हुए तो मैंने फ्रीज कर लिए, तो आज हम उनको फ्राई करने लगे हैं। तवे पे लगाऊंगी मक्खन और इस पे गरम करूंगी पीटा ब्रेड, फिर करेंगे हम उसकी फिलिंग। मक्खन लगा के गरम कर लिया, अब हम इस पे लगाएंगे गार्लिक सॉस, साथ में जो मैंने लगाई है चिली सॉस वो भी लगा लूँगी, चिकन फिल कर दिया, ऊपर लगा लेंगे सलाद, इसके ऊपर दोबारा हम सॉस लगा लेंगे, आप केचप भी लगा सकते हैं, फिर हम कर लेंगे इसको। ये सारी मेहनत जो है ये हम लोग भी साथ साथ करते हैं, सिर्फ जो है वो आपके चैनल की जो है ना वो नहीं है, समझ आई। हमने भी जो है ना इस रोल को पकड़ा था ताकि ये गिर ना जाए, ऐसे करके हमने 2 मिनट तक पकड़ के रखा है। yeah.
अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमारी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इतना अच्छा था, बस मैं आपको फाइनल लुक दिखा नहीं पाई। सबने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा लगा सबको। शवारमा जूसी जूसी सा था, बहुत अच्छा लगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसी रेसिपी से। इससे पीटा ब्रेड भी बहुत अच्छी बनती है। बस ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि स्टेप्स काफ़ी हैं, सलाद बनाना, सॉस बनाना, पीटा ब्रेड बनाना, चिकन को प्रिपेयर करना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मगर बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते ब्रेड तो बाज़ार से भी ब्रेड मिल जाती है, पीटा ब्रेड और सॉस वगैरह भी मिल जाती है, मगर घर की चीज़ों का तो अपना ही टेस्ट है, अपना ही मज़ा है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 5th रोज़ा था, बहुत अच्छे से गुजर गया। इसी तरह हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।